आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख हैं भारत समाचार। अलीगढ़ की इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कुछ देर पहले थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहां के एक गांव केनमथल की मड़ी, यहां पर एक महिला उम्र करीब 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंहबोली बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो यह मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी और आज तेरहवीं थी, वही देवर और रे हैं। अन्य लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर और राकेश, ये बताया जा रहा है इनके साथ मारपीट हुई है लाठी डंडा से, जिसमें इन दोनों की यहां पर मृत्यु हो हुई है। जो लड़ाई है उसकी वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। इस घटना पर मौके पर पहुंचकर तत्काल सभा को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मौके पर जो सच है उनको एकत्रित किया है। जो आरोपी गढ़ है, जो महिला के देवर आदि है, इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दे दिए गए। घटना है लगभग 3 बजे के लगभग की घटना है और इसमें जो है आज 4 भाई थे। 4 भाई में बड़े भाई का 13वीं का प्रोग्राम था, जिसमें जो है गोली से उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों का जो है ऑन स्पॉट जो है मृत्यु हो गई है। और इसमें से उनके कोई बच्चा नहीं था, सुरेश कुमार था, उनकी पत्नी का नाम मुकेश देवी और उनकी बेटी जो प्रियंका, दोनों ही की जो है मौत हुई आज। पता चल पाया मौत का कारण क्या रहा होगा, कोई जमीनी विवाद क्या है? ये जमीनी विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद। तो मौके पर पुलिस पहुंची, क्या कार्रवाई हो पा रही? नहीं, कार्रवाई पूरी है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जो भी दोषी होगा उसको जो कोई आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, कोई अभी तक नहीं। गोंडा का क्या मामला? ये कुछ देर पहले यहाँ थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक गांव है केमथल की मड़ी, यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश, ये बताया जा रहा है, इनके साथ मारपिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक पीस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं, जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।